ऑलराइट सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर और स्वागत है आपका एक न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग गाइस अपने ओल्ड फोन का जो डाटा है उसको न्यू फोन में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग न्यू फोन परचेस करते हैं और उनका जो ओल्ड फोन का जो डाटा है वो न्यू फोन में अच्छे से ट्रांसफर नहीं कर पाते, यानी कि बहुत सारी चीजें यहां पे ट्रांसफर नहीं कर पाते। सो गाइस, आज के वीडियो में जो एप्लीकेशन का आप लोग को रिव्यू देने वाला हूं और जिस एप्लीकेशन के बारे में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं उसका नाम है क्लोनिट। और गाइस उस एप्लीकेशन का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और गाइस इस एप्लीकेशन से आप लोग ऑल टू ऑल सारा डेटा अपने एप्लीकेशन का, यानी कि इस एप्लीकेशन से अपने ओल्ड फोन का सारा डेटा अपने न्यू फोन में ट्रांसफर कर पाएंगे। और गाइस ये जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है और गाइस ये जो एप्लीकेशन है वो भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो गाइस फिर से बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से इस एप्लीकेशन को एकदम आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइस आप लोग वीडियो को एकदम कंप्लीट वॉच करते रहिए शुरू से लेकर एंड तक। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस को बनाने का। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सो गाइस आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ में एक बेल आइकन को ऑन, क्योंकि यहां पर आप लोग को ऐसे ही क्वालिटी टेक वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। सो गाइस चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, आप लोग को बताते हैं कि कैसे आप लोग को ट्रांसफर करना है अपना जो ओल्ड फोन का डेटा है न्यू फोन में। सो गाइस चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सो गाइज अब चलिए आप लोग को बताते हैं कि कैसे गाइज आप लोग को अपना जो ओल्ड फोन का डेटा है, ऑल डेटा है, उसको कैसे आप लोग को अपने न्यू फोन में गाइज ट्रांसफर करना है। सो गाइज ये बहुत ही ज्यादा इजी है, तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है क्लोनिट। गाइज इस एप्लीकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। गाइज ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग एंड बहुत ज्यादा यूजफुल है, इससे आप लोग अपने ओल्ड फोन का जितना भी डेटा है गाइज यहाँ पे इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट्स तक, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट भी, यहाँ पे पूरा जितना भी डेटा है आप लोग ट्रांसफर कर पाएंगे अपने न्यू फोन में। सो गाइज अब आपको सबसे पहले यहाँ पे इस एप्लीकेशन में चले जाना है और गाइज जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये एप्लीकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से आप लोग इसको आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सो गाइज यहाँ पे अब जैसे सब एप्लीकेशन परमिशन मांगता है तो ये भी एक मांगेगा। सो गाइज यहाँ पे आपको सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है, एकदम ये सेफ एप्लीकेशन है। और गाइज यहाँ पे जैसा कि मैं एक चीज आपको पहले ही बता देता हूँ कि गाइज आपको पता ही था कि बहुत सारे चाइनीज ऐप्स जो है वो बैन हो चुके हैं इंडिया में, बट गाइज ये जो एप्लीकेशन है एकदम सेफ है, बहुत ज्यादा गाइज ये कमाल का है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एड्स जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, बल्कि इसमें एड्स आपको देखने को मिलते ही नहीं है, बहुत ज्यादा कम एड है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला है सेंडर, दूसरा है रिसीवर। सो गाइस आपको एक चीज इससे तो पता चली जाएगा कि सेंडर वाला जो ऑप्शन है, अगर आपको किसी को सेंड करना है तो आप लोग इस एप्लीकेशन पे टैप करना है, यानी कि इस ऑप्शन पे टैप करना है। और गाइस अगर आप लोग को किसी से रिसीव करना है डाटा तो आप लोग रिसीव पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, बट गाइस यहाँ पे मैं आपको ट्रांसफर करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी करंटली एक ही फोन है जिससे मैं अभी वीडियो एक शूट कर रहा हूँ और दूसरा जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूं, तो मैं ट्रांसफर करके तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट गाइस जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे अगर आप लोग करते हैं तो एकदम आसानी से आप लोग इसको कर पाएंगे, वो भी बहुत ही आसानी से। सो गाइस अब एग्जांपल के लिए यहां पे आपको मैं सेंडर के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। और गाइस सेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपका कुछ परमिशन मांगेगा जैसे लोकेशन का, तो आप लोग इसको अलाउ करके फिर ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहां से गाइस आपको फिर से इसको अलाउ कर लेना है और यहाँ पे गाइज आपको जितने भी दिखते हैं और यहाँ पे आप लोग इसका बारकोड जो है उसको स्कैन करके गाइज यहाँ पे अपना जो ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने ओल्ड फोन का जितना भी डेटा है गाइज उसको आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं न्यू फोन में। अब यहाँ पे गाइज आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाता है जो कि है रिसीव का, तो गाइज अगर आप लोग रिसीव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को जो सेंडर रहेगा वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फिर उस सेंडर से आप लोग बोल के आप लोग का जो यहाँ पे न्यू फोन में आपका पूरा भी डेटा आप कर सकते हैं ट्रांसफर, बहुत ही आसानी से गाइज ये कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का एप्लीकेशन है। और गाइज यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया और एप्लीकेशन पसंद आया हो तो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में ही कर दीजिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि गाइज यहाँ पर आप लोग को ऐसी ही क्वालिटी टेक वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। और गाइज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। और गाइज इस एप्लीकेशन से आप लोग ऑल अबाउट सारी चीजें ट्रांसफर कर सकते हैं, बट गाइज यहाँ पे मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखा तो पाया नहीं क्योंकि मेरे पास दो फोन नहीं थे, बट गाइज यहाँ पे आप लोग इस एप्लीकेशन का मैंने आपको पूरा रिव्यू दे दिया कि कैसे आप लोग को पूरा इसको यूज करना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में आप लोग सारा ट्रांसफर कर सकते हैं, सारा का सारा डेटा। सो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।